लीजिए, पंडित रामाकृष्ण ने मेरे साथ विधिवत विवाह किया है, वो भी मंदिर में पंडित जी की उपस्थिति में। क्या मेरा दोष ये है कि मैंने इनके असत्यों को सत्य मान लिया, या मेरा दोष ये है कि मैंने इन्हें अपना जीवन साथी मान लिया और इन्होंने विवाह के दूसरे दिन मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया और ऐसे विलुप्त हो गए जैसे किसी के सर से केश। साधन, केश के बारे में पूरे दरबार में कोई कुछ नहीं बोलेगा। क्षमा कीजिएगा महाराज, मैं भूल गई थी कि आपके सर पे केश। हमने कहा ना, पंडित रामकृष्ण, आपको इस विषय में कुछ कहना है? हाँ महाराज, ये स्त्री असत्य बोल रही है। अरे मैंने इनसे स्वप्न में भी विवाह नहीं किया है। नहीं नहीं, हमारे सामने ये विवाह हुआ है। हाँ महाराज, हमने ही इन दोनों को विवाह के पवित्र बंधन में बांधा है। ये पंडित जी तो मुझे बहुत मानते हैं कि कभी मेरे विषय में असत्य नहीं बोलेंगे, तो फिर आज क्यों? कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या काला ये सब कर कैसे रहा है। राजगुरु, आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? महाराज भरे दरबार में हमसे सलाह मांग रहे हैं, जो अब तक वो पंडित रामकृष्णा से मांगते थे। उचित अवसर है अपनी खाक जमाने का। अरे कुछ बोलिए। महाराज अब हम क्या बोलें? हमें तो कुछ भी बोलते हुए लज्जा आ रही है। पंडित रामकृष्णा, जिनकी सज्जनता और महानता की लोग सौगंध खाते थे, पंडित रामकृष्णा, जिनके कारण ना जाने कितने ही व्यक्तियों को न्याय मिला था, जो सदैव असहायों का साथ देते थे, वही पंडित रामकृष्णा आज अपराधी बनकर सबके समक्ष राज दरबार में उपस्थित थे। तो आपको लगता है कि ये महिला सत्य कह रही है? अवश्य सत्य कह रही है महाराज। ये पंडित रामकृष्णा, जिनके पास वाक्पटुता है, चातुर्य है, उसी के माध्यम से पंडित रामकृष्णा ने इस महिला को अपने प्रेम पाश में फंसा लिया और फिर झूठा विवाह कर लिया। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुवर? हम सत्य कह रहे हैं और आपके अनुसार सभी लोग असत्य कह रहे हैं, वो भी जिनसे आपने धन उधार लिया था और ये महिला भी। अरे पंडित रामकृष्णा, एक स्त्री की गरिमा और उसकी भावनाओं से खिलवाड़ करते हुए आपको लज्जा नहीं आई? आपको भली भांति ज्ञात है कि मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता। अरे आप तो मुझे वर्षों से जानते हैं ना। अरे क्या वर्षों से पंडित रामकृष्णा, 20 वर्षों से तो आपका पता ठिकाना नहीं था। न जाने कहां थे आप, किस किस की संगत में थे, क्या क्या सीख कर आए आप? गुरुवर मैं वही हूँ, वैसा ही हूँ, आप बस मुझ पर विश्वास कीजिए। क्या विश्वास करें? पंडित रामकृष्ण, सर्वप्रथम आपने लोगों के पैसे ऐंठे और फिर आपने इस महिला के साथ झूठा विवाह रचाया। आज आपने समस्त विजयनगर का मस्तक लज्जा से झुका दिया। नहीं नहीं महाराज, मैं अपने प्राण दे सकता हूँ किंतु आपका और विजयनगर का मस्तक कभी नहीं झुकने दे सकता। तो क्या आपके पास अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने का कोई साक्ष्य है? बताइए। नहीं है महाराज, इस समय ना तो मेरे पास कोई साक्ष्य है और ना ही कोई तर्क जो मुझे निर्दोष सिद्ध कर सके। महाराज, एक महिला के सम्मान और स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ हुआ है, हमारी दृष्टि में ऐसा कृत करने वाला फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना, उसे बड़े से बड़ा दंड मिलना चाहिए। आप ठीक कह रही हैं महारानी, आज हम भरी सभा में पंडित रामकृष्णा आपको दंड देते हैं। क्षमा करें महाराज, परंतु आपने ही पंडित रामकृष्णा को स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने के लिए 3 दिवस का अवसर दिया है, और अगर आप इन्हें वो अवधि पूर्ण होने से पहले ही दंड देते हैं तो ये तो राज के नियमों के विरुद्ध होगा। किंतु महामाते महाराज, अब कुछ भी हो, पंडित रामकृष्णा वर्षों से विजयनगर और इस राज दरबार की सेवा करते आए हैं। हमारा मत तो यही है कि पंडित रामकृष्णा को ये अवसर दिया जाना चाहिए। कि मुझे अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने का अवसर क्यों दे रहा है? अवश्य इसने बहुत बड़ा खेल खेला है भास्कर, अन्यथा इतनी आसानी से ये अवसर गवाता नहीं। तो ठीक है, पंडित रामकृष्ण को दंड मिलेगा या ये निर्दोष सिद्ध होंगे, इसका निर्णय 3 दिवस के बाद ही होगा।
अब कोई फरियादी आपके विरुद्ध कोई आरोप लेकर तो नहीं आएगा ना, क्योंकि अब हमारे विश्राम का समय हो गया है और हम विश्राम करने जा रहे हैं। अब हमारे विश्राम में बाधा आई ना तो महाराज बाला कुमार की, महाराज बाला कुमार की, महाराज बाला कुमार की। ये क्या कर दिया आपने पंडित रामकृष्ण? कहते हैं जीवन चार दिन का होता है, किंतु पंडित रामकृष्ण तुम्हारा जीवन तो बस अब 3 दिन का ही शेष रह गया है, उसके बाद तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। 3 दिन के पश्चात ये कहकाला मुझे महाराज से मृत्यु दंड दिलवा के रहेगा। बस 3 दिन शेष है मेरे पास और इन 3 दिनों में मुझे स्वयं को निर्दोष सिद्ध करना ही होगा, किंतु कैसे? देखा पंडित रामकृष्ण, आपने जो मान सम्मान बरसों की तपस्या से बनाया था, कैसे हमने यूं उस मान सम्मान की तच्चियां उड़ा दी। कैसे कर रहे हैं आप ये सब? यदि ये लोग जो कह रहे हैं वो सत्य है, जो कि मैं जानता हूं सत्य नहीं है, फिर भी सत्य कैसे हो सकता है? यही तो हम आपको समझाना चाहते हैं। बहुत खेल चुके आप अपना खेल, अब हमने ऐसा खेल खेला है कि आपका हर खेल समाप्त। समझे कि नहीं समझे? ये किस प्रकार की बातें कर रहे हैं आप स्वामी? मैं आपकी पत्नी हूँ। दया आ रही है मुझे इन पर, वहाँ इनके पति ने दूसरा विवाह कर लिया है और ये यहाँ इतने प्रेम से उनके लिए सर्दियों के वस्त्र बुन रही है। क्या करूँ बता दूँ, किंतु इतनी बड़ी बात कैसे बताओ? पंडित रामकृष्ण जी के लिए, किंतु आप इतना कुछ कैसे कर सकती है, वो भी ऐसे व्यक्ति के लिए? नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं, मैं जलती हूँ। नहीं नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं चलती हूँ ना शारदा अम्मा। वेंकटेश्वरा बताती हूँ, पंडित रामकृष्ण जी ने दूसरा, पंडित रामकृष्ण जी ने दूसरा। बताती हूँ, पंडित रामकृष्ण जी ने दूसरा विवाह कर लिया। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है उनकी दूसरी पत्नी को, और मेरे पास साक्ष्य भी है कि पंडित रामकृष्ण जी का दूसरा विवाह हो गया है। क्या? शारदा बहन, तुमने मौन व्रत तोड़ दिया। किंतु तुम चीखी क्यों? क्या हुआ? अरे आप इतनी बड़ी बात किसी को ज्ञात होगी तो कोई भी चीखेगा ना। क्या बात, बताओ बताओ। ये क्या किया मैंने, घबराहट में आके अपना मौन व्रत ही तोड़ दिया। ये भी नहीं सोचा कि यदि विवाह किया भी होगा तो भास्कर ने किया होगा, रामा ने नहीं। किंतु शारदा, एकदम चुप, एक शब्द और नहीं। आप लोग चाहिए, तुम भी जाओ यहाँ से, जाओ। किंतु शारदा अम्मा, मैंने कहा ना एक शब्द और नहीं, जाओ यहाँ से। कुछ नहीं हुआ है, आप लोग जाइए, वो मैंने चिपकली देख ली थी, अतः मेरे मुंह से चीख निकल गई। जाइए जाइए। रामा ऐसा कदापि नहीं कर सकते। किंतु मैंने स्वयं उस कन्या को देखा है। देखा है? अच्छा ये बता, वो रूपन तो है ना, उसके केश कैसे है और उसके नैन कैसे? कुछ भी विशेष नहीं है, सत्य कहूँ तो बहुत ही विचित्र है। ये कालीमा, ये क्या हो गया? मैंने सदैव अपने भास्कर के लिए राजकुमारी जैसी कन्या लाने की सोची थी, और ये कैसे विवाह कर बैठा?
जाओ यहाँ से। किंतु शारदा अम्मा विवाह? अरे मैं भास्कर को समझा दूंगी, तुम जाओ यहाँ से। पंडित रामाकृष्ण जी का विवाह हुआ है, भास्कर का नहीं। हाँ मीना, मैं भास्कर को समझा दूंगी कि अपने पापों को समझा दे। हाँ पंडित रामाकृष्ण जी के दूसरे विवाह से आप बिल्कुल भी दुखी नहीं है। शारदा अम्मा आप वैसे विचित्र ही हो, ये कोई महाराज जामवन की रूपवान राजकुमारी जैसी नहीं है, बहुत ही साधारण है। तुम ऐसे नहीं मानोगी। शारदा अम्मा, जा, शारदा अम्मा, जा, 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 शारदा अम्मा। भास्कर को तो मैं आज छोड़ूंगी नहीं, आने दो उसको। महारानी आप यहां? आपने आने का क्यों कष्ट किया? संदेशा भिजवा देती हम उपस्थित हो जाते। हमें आपसे अति आवश्यक विषय में चर्चा करनी, वो भी एकांत में। एकांत? श्रीकांत, दैनिक श्रीकांत तो आज अनुपस्थित है महामात्य। साहस होना अच्छी बात है, किंतु आवश्यकता से अधिक साहस प्राण घातक सिद्ध हो सकता है। तुम्हारा साहस कैसे हुआ महारानी के भेष में यहाँ आने का? इस साहस का कारण है हमारे हृदय में उठ रही ज्वाला, जिसे शांत करने के लिए हम यहाँ आए हैं, और ये शांत तभी होगी जब आप हमें उत्तर देंगे। एक बात बताइए महामात्य, जब महाराज पंडित रामाकृष्णा को दंड दे रहे थे तब आपने उनसे 3 दिन की अवधि क्यों मांगी? जिस व्यक्ति ने हमें इतना तड़पाया है उसे मृत्यु दंड इतनी आसानी से मिल जाने दें, पंडित रामाकृष्णा के प्राण हम अवश्य लेंगे, किंतु तड़पाने के बाद। आप कदाचित भूल रहे हैं महामात्य, वो पंडित रामाकृष्णा है, 3 दिन के अवधि में वो कुछ भी कर सकता है। वो कुछ नहीं कर सकता, इस बार हमने ऐसी चाल चली है कि उसकी समझ तक नहीं आएगी। समझी कि नहीं समझी? विजयनगर की प्रजा जो पंडित रामाकृष्ण को भगवान मानती है, दिन रात अपने मुख से उसका गुणगान करती है, 3 दिन के भीतर अपने उसी मुख से उसका नाम तक नहीं लेना चाहेगी। उसका मान सम्मान अपमान में बदल जाएगा, उसकी छवि धूमिल से और धूमिल हो जाएगी। शारदा अम्मा, शारदा अम्मा, शारदा आ! बता, बता विवाह क्यों किया? वो भी मेरे आशीर्वाद के बिना, मुझे सूचित किए बिना। शारदा अम्मा, तुम क्या कर रहा है? बता विवाह क्यों किया? हाँ हाँ मैं तो भी। शीघ्र बोल। अरे तुम बोलने दोगी तो बोलूंगा ना, तुम तो लाठी लेकर शुरू हो गई। हाँ तो बोल ना, क्यों किया विवाह, किससे किया, बता ना। शारदा अम्मा ये आप क्या कह रही है? भास्कर ने विवाह कर लिया? अरे पंडित रामाकृष्ण जी ने विवाह किया है, भास्कर ने नहीं, और आप इसी पीटे जा रही है। वही अर्थ है, मैं भास्कर को समझा रही हूँ कि इसके पिताजी ने विवाह क्यों किया, शीघ्र बताओ उत्तर दे। कांता की बच्ची तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से। शारदा अम्मा से मुझे कोई पिटते हुए देखे मुझे अच्छा नहीं लगता, जाओ। किंतु भास्कर, भास्कर। और सर्वप्रथम तुम मुझे ये बताओ कि तुमने अपना मौन व्रत क्यों तोड़ा? जब एक पुत्र अपनी माँ को सूचित किए बिना विवाह करता है ना, तो वो मौन व्रत क्या उसकी हड्डी पतली भी तोड़ेगी? अरे मेरी बात तो सुनो पहले, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब कैकाला का जाल है जो उसने मुझे फंसाने के लिए बुना है। आज सहसा ही दरबार में कुछ लोग आए और कहने लगे कि मैंने उनसे धन उधार लिया है और अब लौटा नहीं रहा हूँ। फिर एक स्त्री भी आ गई जिसने भरे दरबार में ये दावा किया कि मैंने उसके साथ विवाह किया है और उसे भूल गया, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है शारदा अम्मा। किंतु ये लोग सब सत्य कह रहे हैं और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है तो फिर ये सत्य कैसे कह रहे हैं।
डंडा फेंको। पंडित रामकृष्णा को महामात्य जी ने बुलाया है। क्यों? कारण मुझे ज्ञात नहीं है, पर शीघ्र बुलाया है। ठीक है, चलिए। ठीक है चलो, मैं काम पे कुछ खाता पीता नहीं हूं। मैंने कहा ठीक है चलिए। तुम कहां चलोगे? तुम पंडित रामकृष्ण हो? नहीं, मैं पिताजी को भेजो। हाँ हाँ, नकुश महोदय आप जाइए, मैं बापू को भेजता हूँ। शीघ्र। क्या काला ने इस समय क्यों बुलाया होगा? तेरे द्वार खड़ा है जोगी, जो है तेरा प्रेम रोगी। घड़ी मिलन की आई, तू अब तक ना आई। मंदाकिनी, हमने जो कहा था वो कर दिखाया। क्या कर दिखाया? यही कि हम बुद्धि में पंडित रामकृष्ण को परास्त करेंगे, और हमने परास्त कर दिया तो तुम हमारी बन के रहोगी। रहोगी ना, रहोगी ना। देखो देखो हमारी शिखा, देखो तुम फिर से युवा हो गए हैं। हंस क्यों रही हो? हंसे नहीं तो और क्या करें? वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि कौवा चला हंस की चाल। तुमने हमें कौवा कहा तो और क्या कहे? ये देखिए आपके काले काले केश की कालिक निकल रही है, और ये देखिए आपके वस्त्रों पे भी लग रही है, और ये देखिए हमारे हाथों में भी लग रही है। बड़े आए युवा बनने वाले। धनी मनी? धनी मनी नहीं, पंडित रामकृष्णा से पूछिए। हे भगवान, यहाँ हमें एक स्त्री का प्रेम नहीं मिल रहा, वहां पंडित रामकृष्णा पर दो दो स्त्रियां न्योछावर हो रही है। अवश्य उस चिर यौवन वाली जड़ी बूटी का कमाल है, हमें उस जड़ी बूटी को प्राप्त करना होगा, चाहे उसके लिए हमें साम दाम दंड भेद किसी का भी प्रयोग क्यों ना करना पड़े, हम उस जड़ी बूटी को प्राप्त करके रहेंगे, अवश्य प्राप्त करके रहेंगे। जी आप क्या कर रहे हैं? आप महामात्य के? महाराज आप शांत क्यों हैं? इनकी अशिष्टता के लिए इन्हें दंड तो दीजिए। समझे कि नहीं समझे? बुद्धिमान हो, ज्ञानी हो, चतुर हो, इतना तो समझ ही गए होगे कि ये तो मात्र महाराज के चेहरे का एक मुखौटा है इस सेवक के मुख पर, जिसे महारानी भी देखने तो धोखा खा जाए, और जैसा कि आप
अभी अभी धोखा खा गए। किंतु ये सब तुम जानना चाहते थे ना कि तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो हम कैसे कर रहे हैं। ये तो मात्र एक झलक है। जो जो कार्य तुमने नहीं किए, जिन जिन स्थानों पर तुम नहीं गए, उनके पीछे ये मुखौटा है। अच्छा, तो ये खेल रचा है आपने। तभी किसी भी स्थान पर ना होकर मैं हर स्थान पर उपस्थित हूँ, पर इसी कारण लोग मुझ पर दोष लगा रहे हैं। क्या करें, तुम्हारा दुर्भाग्य है कि हमें एक ऐसा अद्भुत कलाकार मिला जो किसी भी व्यक्ति के चेहरे का प्रतिरूप बना सकता है। हमने तुमसे कहा था ना कि हम तुम्हारा मान सम्मान नाम हम मिट्टी में मिला देंगे। देखो तुम्हारे ऊपर कितने प्रकार के दोष लगे हुए हैं। एक तो यह है कि तुमने लोगों से पैसे उधार लिए जिन्हें तुम वापस नहीं कर रहे हो। दूसरा दोष यह है कि तुमने भोली भाली स्त्री के साथ एक और विवाह किया और अब उसके साथ छल कर रहे हो। किंतु अब एक तीसरा दोष भी लगने वाला है। तीसरा दोष? अब आप क्या करने वाले मेरे साथ? महामत, महामत। हाँ, क्या हुआ? महामत हूँ पंडित रामाकृष्ण ने। क्या किया पंडित रामाकृष्ण ने, बताओ। महामत, ये महाराज के कक्ष में जाने की हट कर रहे थे। वहां पर जो द्वारपाल था उसने कहा कि महाराज से इस समय भेंट नहीं हो सकती, और इन्होंने क्या क्या किया पंडित रामाकृष्ण ने, क्या किया? इन्होंने अपना खंजर निकाल लिया और उस द्वारपाल के सीने में भोंक दिया। उसकी वहीं मृत्यु हो गई। महामात्य, मृत्यु हो गई? नहीं, ये असत्य बोल रहा है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैंने स्वयं अपने नेत्रों से आपको ये सब करते हुए देखा है। जनक, पंडित रामाकृष्ण को महाराज के कक्ष के बाहर तैनात अति विश्वसनीय द्वारपाल की हत्या के आरोप में बंदी बना लो अभी।